दोस्तों आरबीआई की तरफ से ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज आई हुई है। 841 पोस्ट रखे गए हैं टोटल, 841 पोस्ट। इससे पहले आरबीआई ने सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज निकाली थी, उसका वीडियो भी यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड और अभी ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज रखी गई है, पोस्ट एक्सेसमैन के लिए रखे गए हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rbi.org.in के माध्यम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 24 फरवरी 2021 से फॉर्म बनने शुरू हो गए और 15 मार्च 2021 तक चलेंगे। फीस भी आप 24 फरवरी से 15 मार्च के बीच में जमा कर सकते हैं। टेस्ट इसका एग्जाम जो टेंटेटिव डे रखी गई है अप्रैल 9 और 10 तारीख को रखी गई है। वैकेंसी दोस्तों ऑफिस अटेंडेंट की हैं, पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं, भारत के किसी भी कोने से आप लोग हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। टोटल वैकेंसीज का डिटेल यहाँ पे दिया गया है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग ऑफिसेज के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना और त्रिवेंद्रपुरम के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। 841 टोटल पोस्ट रखी गई हैं, जिसमें कि एक्सेसमैन की दो कॉलम आप लोग देख पा रहे हैं, एक्सेसमैन वन और एक्सेसमैन टू। एक्सेसमैन वन में डिसेबल एक्सेसमैन और जो डिपेंडेंट एक्सेसमैन हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडेंट वही कर सकते हैं दोस्तों जो एक्शन में शहीद हुए थे उनके डिपेंडेंट, सिर्फ एक्शन में शहीद हुए थे उनके डिपेंडेंट। और एक्सेसमैन टू में नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए रखे गए हैं, काफ़ी वैकेंसी रखी गई हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अहमदाबाद के लिए 10 वैकेंसीज है, बेंगलुरु की 6 वैकेंसीज है, भोपाल के लिए 5 वैकेंसीज है, इसी तरह से चेन्नई के लिए 14 वैकेंसीज रखी गई है, 40 वैकेंसीज मुंबई के लिए रखी गई है, इसी तरह से 168 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए रखी गई है और 38 वैकेंसीज डिपेंडेंट और डिसेबल एक्सेसमैन के लिए रखी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों एक्सेसमैन वन में है डिसेबल एक्सेसमैन ऑब्लिक डिपेंडेंट ऑफ एक्सेसमैन किल्ड इन एक्शन के लिए लिखा है इन्होंने, और एक्सेसमैन टू में है एक्सेसमैन नॉर्मल जो भी हैं उनका डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। एक्सेसमैन का दोस्तों डेफिनेशन दिया हुआ है कि एक्सेसमैन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो पेंशन ले रहे हैं कम से कम 15 साल की इसकी है। एक्सेसमैन किल्ड इन एक्शन का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है दोस्तों कि सर्विसमैन किल्ड इन फॉलोइंग ऑपरेशंस वुड डीम्ड टू हैव बीन किल्ड इन एक्शन एट्रिब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस, वार लाइक ऑपरेशन ऑफ बॉर्डर, जो पीस कीपिंग में शहीद हुए हैं, नागालैंड मिजोरम के ऑपरेशन में शहीद हुए हैं, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें दोस्तों डिटेल दिया हुआ है कि डिपेंडेंट ऑफ एक्सेसमैन किल्ड इन एक्शन आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, 4.5 ऑफ द टोटल वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर डिसेबल्ड एक्सेसमैन एंड डिपेंडेंट ऑफ एक्सेसमैन किल्ड इन एक्शन। इन्होंने एक बात और लिखी दोस्तों कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी गिवन टू द डिसेबल एक्सेसमैन एंड द सेकेंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द टू डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सन किल्ड इन एक्शन और सेवरली डिसेबल्ड। दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी डिसेबल एक्सेसमैन को दी जाएगी और उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी जो है डिपेंडेंट एक्सेसमैन को दी जाएगी, ऐसा इन्होंने इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। एज 18 से 25 साल रखी गई है इसके लिए, लेकिन एक्सेसमैन को रूल के अनुसार छूट मिलेगी दोस्तों, इसका डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेसमैन। और मैक्सिमम ऑफ द 50 ईयर यानी 50 ईयर तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है। ये एजुकेशन इसके लिए 10th पास रखा गया है, 10th स्टैंडर्ड कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th स्टैंडर्ड, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम ऑफ सिलेक्शन का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे सिलेक्शन वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, कॉपी इंपॉर्टेंट रखा गया है, जहाँ से आप लोग फॉर्म को भर रहे हैं वहाँ का आपको लैंग्वेज लिखना और पढ़ना आना चाहिए। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, किसके सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क के, जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क, जनरल अवेयर 30 क्वेश्चन 30 मार्क के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क के आएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क के और 90 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, और यदि आप गलत आंसर करते हैं तो 1/4 नंबर आपका कार्ड दिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। एग्जामिनेशन का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, फिर एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ST SC OBC PWD कैंडिडेट उनको यहाँ पे मिलने वाला है। यदि आप लोग भरते हैं तो टेस्ट सेंटर डिफरेंट सेंटर्स होंगे दोस्तों आप लोगों के स्टेट और यूनियन टेरिटरी में,
इसके लिए जो पेमेंट मिलेगी उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। इसके लिए कितनी पेमेंट मिलेगी उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, 10,940 पर मंथ आपका बेसिक भी होगा और टोटल जो आपको मिलेंगे लगभग 26,508 रुपये। उसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे, जिसमें कि अलग अलग अलाउंसेस हैं, DNS अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी अलाउंस है, ग्रिड अलाउंस है, उसके बाद टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट देती है वो अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। 26,508 रुपये आपके अप्रॉक्स मैटली पेमेंट बन रहे हैं यहाँ पे। और आपको एकोमोडेशन दिया जाएगा, यदि आपको एकोमोडेशन नहीं मिलता तो 15% बेसिक पे आपको एक्स्ट्रा हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, उसके अलावा न्यूज़पेपर बिल मिलेगा, कार इंश्योरेंस, लीव ईयर कंसेशन वगैरह वगैरह जो भी एलिजिबल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मिलते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे दिए जाएंगे। कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है उसका डिटेल्स पहले बता दिया था कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rbi.org.in के माध्यम से आप लोगों को अप्लाई करना होगा। डेट 15 मार्च लास्ट डेट रखी गई है। फीस का डिटेल यहाँ पे दिया गया है, एक्सेस मैन को ओनली 50 रुपये देना होगा और बाकी जनरल रूल्स दिए हुए हैं दोस्तों किस तरह से आप लोगों को फॉर्म को भरना है, कि आपका फ़ोटो साइज होना चाहिए, कैसे सिग्नेचर होना चाहिए और पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। वीडियो के डिस्कशन में आप लोगों को नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है कि किस स्टेट जिस स्टेट आप लोग भर रहे हैं उस स्टेट का आपको लैंग्वेज आना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। और जैसे कि अहमदाबाद है, अहमदाबाद के लिए गुजराती आपको आना चाहिए, बेंगलुरु कर्नाटका, भोपाल में हिंदी, भुवनेश्वर और यह आना चाहिए उड़ीसा आना चाहिए, चंडीगढ़ में पंजाबी हिंदी आना चाहिए, चेन्नई तमिलनाडु तमिल आना चाहिए, गुवाहाटी आसामीस आना चाहिए या फिर बंगाली या फिर खासी मणिपुरी बोडो मिजोरम वगैरह वगैरह, जयपुर हिंदी, जम्मू उर्दू हिंदी, कश्मीरी वगैरह, इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।